अर्चना कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, तू? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से खींच के आपको कलर पे लाए, आप फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। बहुत प्यारी लग रही है अर्चना जी। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेके आए, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। अच्छा, बड़े शहरों में तो डेकोरेशन लाइट्स देख के लोग समझ जाते हैं कि नया साल आने वाला है, छोटे शहरों में जब रेडी पे फ्रूट्स की जगह मूंगफली और गचक आती ना, तब समझ में आता है कि ठंड पीक पे है। आए हाय। और गांव में नया साल आ गया ये पता लगाने का अलग ही तरीका है, जिस दिन चाचा ने धोती के नीचे थर्मल पहन लिया तो समझ जाओ जनवरी आ गया है। पूरी दुनिया में वैसे भी ना न्यू ईयर सेलिब्रेशन का माहौल जो होता है क्रिसमस से शुरू हो जाता है। अब कहीं पे भी चले जाओ, मिठाई की दुकान से लेके मॉल तक, हर जगह कोई सेंटा बन के घूम रहा होता है ना, इंग्लिश गाने मैरी क्रिसमस हो हो हो। अच्छा, तभी एकदम से एक तो सेंटा का फोन बजता है ना, तब पता चलता है सेंटा बिलोंग कहाँ से करता है। हाँ भौजी प्रणाम। हाँ पुत्तन बोलत बानी। हाँ बबुआ कैसन बा? हाँ छुट्टी मिल जाए तो गोलू की शादी में आ जाए, नहीं तो सीधा छठ में आ पाए। हाँ चलो फोन रखत बानी, मैया को प्रणाम बोले तो और फिर मैरी क्रिसमस। अच्छा न्यू ईयर पे लोग वो बड़ा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन बड़ा लेते हैं, है ना, कि मैं ये नहीं करूंगा इस साल, ये नहीं करूंगा, अपनी ये आदत बदलूंगा। सबसे ज्यादा लोग रेजोल्यूशन लेते हैं इस बात का कि अगले साल मैं कभी भी लेट नहीं होऊंगा। और ये जो लोग होते हैं 31 दिसंबर को इतनी पी लेते हैं ना, अगले दिन उठते हैं कहते हैं वाह मैंने 7 बजे सोचा था, मैं 5 बजे उठ गया, बाप जूता मारता गर्दन पे, 2 जनवरी है आज, इतनी पी के बैठा है। शादीशुदा औरतों का देखना आप, ये अपने लिए रेजोल्यूशन नहीं लेती, ये अपने पतियों के लिए लेती है कि इस साल मैं इनको पतला करके रहूंगी, और पति को उठाती है 1 जनवरी को, जिसको रात का हैंगओवर नहीं उतरा था, उठो चलो उठ के पार्क में जाओ, पंद्रह का क्या है, मैंने कौन सा ऋतिक रोशन बनना है, चलो चलो पार्क में जाके। फिर जो आदमी पार्क में दौड़ लगा के आता ना वापस आके, जब बोलता है यार वो 1203 वाली मिसेस गुप्ता नहीं है, हमेशा साड़ी में देखा, जॉगिंग ट्रैक में तो क्या लगती है वो। फिर बीवी का दिमाग घूमता है, जब तुम पार्क में गए थे ना, गुप्ता जी भी बनियान पहन के बालकनी में आए थे, वो भी बहुत अच्छे दिखते हैं, कल से घर पे बैठ के प्राणायाम करो। अच्छा नए साल का काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है, हम भी जश्न की शुरुआत करते हैं धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस से, आप सबकी जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे इंडिया के धांसू धमाकेदार तोड़फोड़ डांस ग्रुप, प्लीज वेलकम डिमोलिशन क्रू। क्या बात है, क्या बात है, वाह, एक बार जोरदार ताली हो जाए, बड़ा खतरनाक परफॉर्मेंस दिया है, वाह, लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं, आपने बंदे खड़े कर दिए, हाय राम, माइंड ब्लोइंग। मैं जेन्युइनली बोलूं, आप लोग उठ के एक बंदा फुटबॉल फेंक रहा है और उतनी टाइमिंग से कैच भी करना, इतना तो फीफा में नहीं हुआ ये सब चीजें जो आप लोग कर रहे हैं, क्या बात है, वाओ। इनके जो लीडर हैं सौरभ, प्लीज मंच पे आइए, सौरभ ब्रो क्या बात है यार, क्या बात है, मजा आ गया। तो ये सबको आप ही ने ट्रेन किया है? ऐसा पर्सनली किसको ट्रेन नहीं किया है, सबने खुद को इतना बना लिया कि मुझे ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। वाँ, 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 वाँ। ये जो आप उछल रहे थे तो आपको कैच कौन कर रहा था नीचे? अच्छा आप इससे कभी लड़ते तो नहीं होंगे जिंदगी में, है ना, कभी कहीं खुन्नस में कैच ही छोड़ दे कि जा, है ना, आप लोग बहुत बहुत और ज्यादा डिजर्व करते हैं, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली तमाम परफॉर्मेंसेस के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां हो जाएं डिमोलिशन क्रू के लिए। तो दोस्तों नए साल के इस जश्न में अब बुलाते हैं उन जबरदस्त कॉमेडियंस को जिन्होंने अपने लिए मंजिल ही नहीं रास्ता भी खुद ही बनाया है, सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस बना बना के लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर जाकिर खान, मिस्टर अभिषेक बन्नू, मिस्टर अनुभव सिंह बस्सी एंड कुशा कपिला, वेलकम कुशा, वेलकम 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 वेलकम, जोरदार तालियां हो जाए हमारे चारों धुरंधरों के लिए। ये चारों दिखने में जितने भोले भाले लग रहे हैं हैं नहीं, आप सब जानते हैं इनको। कुशा हमारे शो पे दूसरी बार आई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हैप्पी न्यू ईयर, बहुत शुक्रिया साहब, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू, थैंक यू ब्रदर। अर्चना ये देखो आप, इन्होंने ऐसा लोगों का दिल जीता है, आई लव ऑल ऑफ देम, इनका क्रेज कमाल है यूथ में, जैसे आप बैठे बैठे कमाती ना वैसे ये खड़े खड़े कमाते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनको कुछ पूरी ड्रेस दिखानी है आपको बस बहाने से, है ना,
कुछ ही घंटों में हम नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम लोग रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे आपके आने से पहले कि होता ना कि आज मैं नए साल से ये छोड़ दूंगा या ये नई आदत डालूंगा, आप लोग भी ऐसा करते हैं? मेरा तो बेसिकली मेरा ये है कि अगर जिस दिन एक तारीख नया साल और मंडे ये तीनों एक साथ बैठ जाएगा तो मैं मान लूंगा। अच्छा, नहीं तो नहीं। या तो मंडे नहीं होता, या एक तारीख नहीं होती, या नया साल नहीं होता। बस उसी वजह जिम नहीं जा पा रहे। अभिषेक, मेरे रेजोल्यूशन पूरा ना होने पे जो बुरा लगता था ना, वो बुरा लगाना छोड़ दिया मैंने। वेरी गुड, यही बदलाव आया। हाँ, मैं बस अब बुरा नहीं मानेंगे, ये छोड़ दिया है। ये क्या हो गया, ये साल फिर से भाई? नहीं नहीं, जैसे टूटे मैं कहा चलो बुरा ही लगाना, हो गया रेजोल्यूशन पूरा। तीन तारीख तक ठीक, मैं तो तीन तारीख तक भूल जाता हूँ क्या रेजोल्यूशन का रख कर। उससे दो तारीख को है तो भूल जाता आदमी। उषा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये सोच रही थी कि यू नो, आपके शो पे इतने बड़े लोग आते हैं अपनी बड़ी बड़ी फिल्म्स को प्रमोट करने, मैं खुद को प्रमोट करने आती हूँ आपके शो पे ताकि मुझे बड़ी फिल्म मिल जाए, तो मेरा रेजोल्यूशन है कि मुझे नेक्स्ट ईयर तीसरी बार कपिल शर्मा के शो पे आऊंगा। आप वैसे ही इतना कमाल कर रही हैं, फिल्म वालों को आपकी जरूरत है, आपको फिल्मों की जरूरत नहीं है। वाह क्या बात। आप सब लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, अगर आपको लगता है कि आप बैठ के भी उतने ही फनी हैं, तो आइए बैठ के बातें करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। खुशा, कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो मैं जाकिर भाई से शुरुआत करना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने लड़कियों के मेकअप के ऊपर ना बड़ा डिटेलिंग में कुछ बताया था। भाई आप सिंगल हो इसलिए डिटेल में जाते हो, मेकअप वगैरह का भी डिप्लोमा किया आपने? साहब ऐसा है कि दूल्हे नहीं बने तो क्या हुआ, बारातों में तो बहुत नाचे हैं। मतलब कि है ना, मॉइस्चराइजर क्या होता है, मैं उसी में पागल हो गया था पहली बार जब मुझे पता चला। अच्छा। क्या ना, हमारे घर में बहन नहीं है, ठीक है, तो सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं पहुंच पाया। तो जो भी हमें दोस्त मिली, हमने तो पूरा पूछ लिया, अच्छा ये कैसे लगाते हैं, ये कैसे लगाते हैं, ये क्या होता है, पूरा डिटेल में हमने जाना, तो वो हमारा नॉलेज है साहब, हमको तो बहुत पसंद है। जैसे कुशा से भी हमने पूछ लिया कि अच्छा ये काजल कैसे लगाते हैं, ये सब पूरा पूरा ट्यूटोरियल ले लिया है इन्होंने मुझसे। लड़कों का मेकअप करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या दाढ़ी रख के ऊपर बादाम तेल लगा लेंगे हम। लड़कों का तो देखो साहब, हमको क्या चाहिए, तैयार होने के लिए लड़कों को दो चीजें चाहिए होती है, पानी और टॉवल। मुंह पे पानी मारा टॉवल से पूछा, तैयार है लड़का? हाँ। वाह, अभी शादी करा दो इसकी। मैं सबको बता दूं कि उपमन्यु यहाँ भी ऐसे आया है। मुझे लग रहा है अगर टी शर्ट हो तो टॉवल की जरूरत नहीं होती। दो कपड़े को खराब करने हैं। मैं आपको बता दूं, अभी ये अपने बसी साहब जो हैं, हाँ। ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्होंने लॉ की डिग्री की हुई है, आजकल कॉमेडियंस के लिए जरूरी भी है। पता नहीं कब कोई कहां फंस जाए। भाई आपने पहले सोच रखा था कि पहले मैं लॉ करूंगा फिर कॉमेडियन बनूंगा? नहीं, इसे लॉ करके पता चला कि इसमें तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब जो बोलो ना कॉमेडियन की जरूरत पड़ती है, तो मुझे दूसरों की पड़ रही है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। शुरू शुरू में कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लेता था मैं सबके, लेकिन फिर मैंने वो भी छोड़ दिया, भूल चुका हूँ वो भी। अच्छा, पर मैंने बहुत बार देखा है बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जैसे अभिषेक भी इंजीनियर। मैं उतने इंजीनियर हूँ जितने ये सारे हैं। अभी इस रूम में एग्जाम कराओ, हम सबके सेम मार्क्स आए। किसी जाते ना आज मुझसे। कुछ आता कुछ नहीं। जाकिर भाई आपने क्या किया हुआ है पढ़ाई? आदमी ने जिंदगी जी रखी है, सबसे बड़ी डिग्री उसी आदमी पे। जाकिर भाई जैसे हम लोग, जैसे मैंने पहली बार टीवी पे शो देखा है लाफ्टर चैलेंज, तो मैंने सोचा मैं इसमें जाऊंगा। आपने तो सीधा ही, आप YouTube पे आपका, अब तो लोग आपका इंतजार करते हैं कि आपका नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, लेकिन पहला वीडियो कैसे, शुरुआत कैसे हुई फिर? मेरे ख्याल से देखिए, पहली बात तो कपिल भाई ने जो लॉ जलाई है उसकी रोशनी में सब लोग हम लोग अरे भाई आज ये ठीक है, ऊपर वाला है बस। तो फिर जब लाफ्टर चैलेंज पहली बार आया तो स्कूल में हम लोग थे, तो सब लोग ऐसे बोलते थे, जब किसी की मजे ले ली ज्यादा तो लोग ऐसे बोलते इतना ही फनी तो लाफ्टर चैलेंज क्यों चला जाता। तब से फिर जैसे देखना चालू किया कि अच्छा ये बाकियों का देखने, तो ऐसा लगता था इतना भी क्या खास है, तो मैं भी कर लूंगा। करने गए तो पता चला कि साहब नहीं, मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है एक्चुअली। हाँ, जब पहली बार करने गए तो पहली बार में तो 2 मिनट में उतार दिया उन्होंने, है ना। कभी कभी होता ना कि कुछ चल रहा है, अभी सामने से हंसी नहीं आ रही, तो चलते स्टेज पे मन में आया डिग्री तो है ही मेरे पास इंजीनियरिंग की, कल से मैं वही बनूंगा, ऐसा हुआ कभी? मतलब गंदे शो तो मेरे जाते ही रहते हैं। गंदा शो होने की वजह क्या? पता नहीं, मैं शायद होश में नहीं, पता नहीं क्या कुछ ना कुछ हो जाता है हमेशा, जैसे कई बार वो हंसते नहीं, मुझे और गुस्सा आता, मैं तुम्हारी तो मैं रात खराब करूंगा। तो फिर मेरे तो अच्छे शो ऐसे लाइन में 10 जाना तो कभी हुआ ही नहीं। क्या आप प्रमोट करने आए हो या डिमोट?
बहुत अच्छे जा रहे हैं शो। ओ भाई जो जा रहे हैं लोग, मैं हेलो बोलता हूँ लोग पागल ही जाते हैं। हेलो क्या बोल दिए अभिषेक? मैंने ना बड़ी बार देखा है हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो पहले इंजीनियर थे, जो सोनू सूद हो गए, कृति सैनन हो गई, बड़े सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। मुझे ये जानना, इंजीनियरिंग में आप जब फाइनल ईयर पढ़ रहे होते हैं, आपको यही पढ़ाते हैं कि देखो इसमें कोई स्कोप नहीं, बाहर जाके कुछ और देख लेना, कुछ और कर लेना बेटा। 80 बच्चों की क्लास थी, उसमें दो लोगों की नौकरी नहीं लगी, एक मैं था और एक था जो सेकंड ईयर के बाद कॉलेज ही नहीं आया था। अच्छा। पहली फिर मेरे पापा ने जुगाड़ ला के लगवाई कहीं, उन्होंने निकाल दिया, फिर एक और नौकरी लगी उन्होंने निकाल दिया, फिर तीसरी ने भी निकाल दिया। अच्छा। तो जब निकालते गए तो मैं कहा लग भी रही है तो क्या ही हो रहा है, निकाल ही रहे हैं ना सारे, मतलब। हाँ करना तो देखो, चाहे इंजीनियरिंग कर लो चाहे स्टैंड अप कॉमेडी कर लो, देखो बंदा कमाता किस लिए, दाल रोटी के लिए। और इस भाई साहब ने तो दाल का तो जुगाड़ कर ही रखा, दाल मखने का है ना टैटू बना रखा है। हाँ, क्या हाँ। सोच के बनाया था कि दो चपाती तो कोई भी दे देगा तो दाल तो फाइनल करूंगा मैं। यार लोग मुझे टैटू बनवाना था, लोग कहते हैं ऐसी चीज का टैटू बनवाओ जो तुम्हें जिंदगी भर जिसका वो रहे। मैं कहा ऐसे कोई किसी का नाम लिख सकते, किसी से कब बिगड़ जाए कुछ नहीं पता, घर वाले पसंद नहीं आते गए 10 मिनट, पर दाल क्या कर लेगी मेरा, मैं लिख दूंगा। प्लस फायदा रहता है यहाँ दाल, मैं अगली बार यहाँ बटर नान लिख पा रहा हूँ तो जाके ऐसे ऑर्डर दे दूंगा, ये लो यहाँ ये पीछे बिल लाओ लिखवा रहा हूँ मैं। अच्छा बिल मैंने देखी, फोटो देखी उसकी। अच्छा तो दाल लग रहा है प्लेट से गिर गई थोड़ी सी बाहर। अच्छा अर्चना जी का सवाल था, बोल रही थी कि इनसे पूछना कि आप सब YouTube पे इतने सारे आपका काम है तो घर पे आपके नॉर्मल बेल है या वहां पे बेल आइकॉन लगा रखा है? अच्छा जब आपके घर वालों को पता चला कि आप, पहले बता दिया था आपने कि सीधा उन्होंने YouTube पे देखा? मैं तो नहीं बताया था, मैं कहते क्या कर रहा हूं, मैं कहा नौकरी, झूठ। तो वो एक बार मेरे घर आ गए थे तो मुझे नकली तैयार होके जाना पड़ा ऑफिस। oh, पीछे के पार्क में बैठ गया, मैं कह यार घर से निकले तो मैं अपने घर जाऊं। तो मैंने तो सीधा जब जब पहले रुपए आए तब बताया। अच्छा। मैं कह ये देख रहे हो आपकी। तो वकील साहब आपने घर वालों को बताया था पहले ये? क्योंकि मैं आपके किस्से सुनता रहता हूँ कॉलेज के, हॉस्टल के, इतने सारे। तब शुरू में नहीं बताया था, काफी मतलब 6-7 महीने बाद जॉब छोड़ने के बताया, दीदी को बता रखा था कि थोड़ा संभाल लेना। अच्छा। फिर उसके बाद एक दिन बताई कॉमेडी कर रहा, तो पिताजी को समझ ही नहीं है क्या कर रहे हैं, उन्हें लगा कि कुछ ऐसा कर रहा होगा कि थोड़े दिन में छोड़ छाड़ के वापस आ जाएगा, कुछ कर लेगा दोबारा से। अच्छा। मैंने 1 महीना इंटर्नशिप करी कोर्ट में और 1 महीने बाद किसी ने मुझसे पूछा क्या सीखा, मैंने कहा कोल्ड कॉफी रोज सेम टेस्ट की नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो जितना मुझे थोड़ा बहुत आता था मैंने उतनी कोशिश करी, फिर मैंने खुद ही मान लिया कि छोड़ देते हैं, घर पे मैंने बताया नहीं। फिर 6-7 महीने बाद जब एक आधी वीडियो कुछ बनाने के रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ बता रहा था, तब घर पे बताया। अच्छा। तो बस इन दोनों को दिखाई रखा था घर पे कि ये करता हूँ, तो उनसे तो वो फिर भी ठीक लगे, इस पे तो नहीं माने वो। फिर जब मेरी खुद की वीडियो चल गई तो वो काफी व्यूज आ गए उस पे, तो फिर उन्हें लगा कि चलो हो ही जाता होगा, फिर उन्होंने कभी नहीं छेड़ा मुझे। पैसे कमाने लग जाता है बच्चा तो फिर नहीं जाता। वही मैं बोलता हूं मिडिल क्लास फैमिली में एक बार लक्ष्मी आ जाए वो कारण नहीं पूछते फिर उसका, उन्हें लगता है कि तो लगता छेड़ो मत चली जाएगी नाराज हो जाएगी। मेरे को यही लगता है कि मां-बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहते। नहीं नहीं मुझे लगता है वो लालची हैं। अनुभव लेकिन आपने जो लॉ किया है उसमें भी तो कैटेगरीज होती है ना, क्रिमिनल लॉयर है या सिविल लॉयर है? सर कुछ नहीं, सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है 5 साल, आप उसके बाद आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो वो अलग बात है। फिल्मों में देख देख के मुझे लगता था कि जज के आगे जाके आप दलील दोगे कि जज साहब बिल्कुल गलत है ये, तो हम 3 लोगों को पकड़ लिया मोटरसाइकिल पे तो चलान में तो लेके काट के चलान बोलते कोर्ट में आना पड़ता है। हमें भी ऐसा ही लगता था कि मतलब वो 3 लड़के एक दिन बाइक पर पकड़े गए, हम में से एक बोला स्टाफ है, तो पुलिस वाला कह रहा है 1 मिनट मैं छोड़ दूंगा, पर क्या स्टाफ है? तो मैंने कहा वकील है, कह रहा वकील कब से स्टाफ हो गए थे। अच्छा ऐसा हमेशा बोल, पता नहीं इसमें भी कितनी सच्चाई हुई बात, सुनी सुनाई बातें हैं कि जो लड़कों का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है अच्छा, वो लड़कियां बड़ी जल्दी इंप्रेस होती हैं उनसे। नहीं झूठ है, कोई सच नहीं है इसमें। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं जाकिर? हाँ कोई गर्ल क्या क्या कह रहे हो? आपका क्या स्कोर है? स्कोर मतलब आपको इतना कहा प्लेयर लग रहा हूँ, कल चश्मा खरीदा वाला।
अभिषेक ने तो हाँ भी नहीं की, ना भी नहीं की। मुझे लगता है कि लड़कियों को पसंद है कि लड़की बताएंगी। हाँ। उनको पता होगा। आप लड़की हैं और आपका खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। तो आपके लिए क्या प्रोसीजर है? आई मीन जैसे आप, आपकी शादी हो चुकी है तो आपके हस्बैंड ने कैसे इम्प्रेस किया था आपको? नहीं, जोरावर ने ऐसे जोक्स मार के तो मुझे इम्प्रेस नहीं किया था, बट हाँ लड़कियां होती हैं सेंस ऑफ ह्यूमर से इम्प्रेस। पर ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है सब लड़कियां उससे इम्प्रेस नहीं होती है। और उसके बाद जब वो अच्छे नहीं लगने लगते आपके बॉयफ्रेंड या कोई भी, तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं अच्छा लगता। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप हमसे ज्यादा ट्रिपल सालों से कर रहे हो यार। आपका स्कोर क्या आप बताओ ना यार। आप पर मेरी इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन नहीं होता हमसे। मेरी प्रॉब्लम नहीं, मैं काम ही करता रहा तो बाहर जाके देखा ही नहीं, तो जिंदगी इसी में निकल गई भाई। I think respect बहुत ज़रूरी है। अगर आप respect करते हैं और आप तमीज़ से बात करते हैं, वो चीज़ें लड़कियों को बहुत पसंद होती हैं। चाहे लड़का शादीशुदा ही हो। तो वो उस लड़की के लिए खुश हो सकती है जिनसे उनकी शादी हुई हुई है। वो they happy for them कि बहन तूने तो अच्छा कर लिया। ऐसे कौन लोग होते हैं दूसरों की शादी से खुश होते? मैंने तो नहीं देखा। शादीशुदी से तो शादी तो गलती है। आइडिया गलती। कई लोग कुछ वैसे बोल देते हैं। हाँ। अर्चना जी मुझे कहती है मुझे पोएट्री बड़ी पसंद है। हाँ। हालांकि शायरी बोलने वाले को खा गई, यहाँ बैठते थे। मैं बताऊं बस्सी की पर्सनालिटी ऐसी ना, दाढ़ी बड़ी रखी है, लंबा चौड़ा ना, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये एसी ट्रेन में बैठा हो ना अपनी सीट पे भी, तो बगल वाले वैसे नहीं सोते कि कहीं हमारा सामान ना ले जाए। अभी मैंने परसों फोटो देखा था, काला कुर्ता पहन के लंबा शॉल बॉल, और खुद ही लिखा था इसने बताओ, कहते कहाँ कब्जा लेना है। पर बहुत प्राउड है आप पे, और क्योंकि ये जो नई लीग शुरू की है वो इससे पता है आप सबको देख के बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे अपना टैलेंट दिखाते रहते हैं और नाम भी बना रहे हैं अपना धीरे धीरे, और वी आर सो प्राउड ऑफ यू। जाकिर भाई आपके ना कॉमेडी तो कमाल होती है, कभी कभी आपके शेर सुनने को मिल जाते हैं छोटे छोटे 15-20 सेकंड के क्लिप, जो आपके सीरियस जो शायरी होती है वो बड़ी कमाल की होती है। कुछ हो जाए जाकिर भाई, एक आधा शेर, एक क्योंकि आपका शो साहब तो एक फनी शेर से शुरुआत करते हैं। जी तो एक शेर का है कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी, कि ख्वाबों की दीवार भरे बाजार में टूटी देखी है, मैंने अनजान बुलेट के बगल में तेरी स्कूटी देखी है। एक शेर है कि कहा है कि बताने की बात तो नहीं है, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? वाह हाय हाय वाह वाह, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या? वाह, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या? इश्क बेपना है तुमसे एक बार जताने दोगी क्या? और तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, कि तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास तुम लगा। क्या बात है खान साहब, बहुत बढ़िया। ये आदमी एक तरफ सिंगल बता देता है, फिर एक तरफ ऐसी शायरी सुना देते हैं, फिर लड़के भागे फिर रहे इधर उधर करना क्या। टोंडा हुआ भाई साहब। एक बात बताओ जी साहब, एक तो इतना रोमांस आपके अंदर भरा पड़ा है जी साहब, सिंगल कैसे फिर? साहब जादूगर से थोड़ी पूछते हैं, ट्रिक थी कि मैजिक था। मैं कह रहा हूँ साहब, सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले। जितने सख्त लौंडे यहाँ पे मौजूद हैं एक बार बताएं। तो देखो सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कहीं ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता है जो सही जगह पिघले। हाय हाय। तो ऐसे एक दो पिघले शेर बता देता हूँ मैं आप लोगों को जी, ठीक है ना। कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इश्क की बात नहीं समझती। कौन से दरवाजे खोल दिए घर पे? लोगों को अपनी ड्रिंक बना लेनी चाहिए। एक-एक हो जाए हल्का हल्का। लवली लवली। साहब कहा है कि बहुत मासूम लड़की है, इसकी बात नहीं समझती, न जाने किस दिन में खोई रहती है, मेरी रात नहीं समझती। वाह। और हाँ सही बात है तो कहती है, हाँ सही बात है तो कहती है, अल्फाज समझ लेती है जज्बात नहीं समझती। क्या बात, क्या बात। अच्छा आप सब लोग तो फॉरेन में भी शोज करने जाते हैं, जैसे हमारा पांडे ना जो पीछे ड्रम के भी नीचे बैठा हुआ है, पहली बार हम इंटरनेशनल फ्लाइट में गए ना तो ये बाथरूम में गया, तो इसने वो आती ना आवाज
करके, तो इसको लगा मैंने इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी है, इसको ऐसा लगा। आपका क्या एक्सपीरियंस था जब पहली बार फ्लाइट में बैठे? इंटरनेशनल तो छोड़ो, फ्लाइट फ्लाइट होती है। मैं तो सर पहले बैठा था लखनऊ से दिल्ली, कुछ काम था घर का ही, तो दीदी ने टिकट करा दी थी, मैं आया था। अच्छा, शुरू पुश्तैनी अमीर है सर? ये थर्ड ईयर की बात है कॉलेज की, और उसके बाद मैं फ्लाइट में बैठा हूँ 6 साल बाद। अच्छा, तो उस टाइम कोविड से पहले था, तो वो दे देते थे खाने वाने को, मैंने सैंडविच मंगाया, वो जितनी देर में आया दिल्ली आ गया, तो उन्हें सैंडविच दिया, करे खोलना मत, लैंड कर रहे हैं। मैं कहा तो दीदी दिया ही क्यों था, इतना महंगा था खाना तो पड़ेगा, पर अच्छा लगा था मुझे तो। बाकी अभी जब मैं यूएस टूर पे गया था, तो भाई ने मुझे बोला था कि फर्स्ट क्लास से जाइए, ठीक रहता है, मैं फर्स्ट क्लास, तो ऐसा लगा ड्राइंग रूम में ही बैठा हूँ। अच्छा, मैं जैसे मैं तो खेल रहा था उससे, वो गेट जो था बटन से वो खुले एकदम से, वो आ जाए क्या चाहिए, मैंने कह रहा कुछ नहीं चाहिए था, ऐसे खेल। पहले तो इकोनॉमी क्लास में ना रिलेशनशिप बड़े बनते हैं, क्योंकि जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है थोड़े थोड़े एक आध ड्रिंक आ गया, उसके बाद आप किसके कंधे पे सो रहे होते हैं, कोई आपके कंधे पे सोता है। बिजनेस क्लास वाले तो अलग ही होते हैं, मैंने देखा अलग ही किताबें होती हैं, और ही रशियन राइटर ज़ेलेंस्की किसकी बुक पढ़ रहे हैं। एक फर्क ये भी है, जैसे कि फ्लाइट जब टर्बुलेंस आता है तो इकोनॉमी वाले एक दूसरे को देख लेते हैं कि अरे भाई भाई सब ठीक है ना, है ना। फर्स्ट क्लास वाले अपना डर खुद में लेके बैठ रहते हैं चुपचाप कि हाय हार्ट अटैक से मरूंगा अब तो, मैं लग रहा है। तो टर्बुलेंस होता ना तो इकोनॉमी वाले ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, बिजनेस क्लास में और ले फर्स्ट क्लास की टिकट। भाई आप यूट्यूब पे जब जितने भी वीडियोस बनाते हो बड़ा बिंदास बोलते हो, डंके की चोट पे बोलते हो, कभी ऐसा हुआ कोई ऐसी बात बोल दी हो कि खुद के डंके पे चोट लगने की नौबत आ गई हो, निकल जाती ना बात? नहीं यार साहब, मैं तो बहुत ध्यान से ही बोलता हूँ, मैं ध्यान से बोलता हूँ। और इतना तो वकील हूँ मैं साहब, देखो अगर खुलेआम अगर आपके शो पे पहुंच पा रहे हैं तो ध्यान से ही बोला होगा। So ladies and gentlemen, please welcome with a great round of applause the greatest comedian of India, Rajiv Thakur urf Raju. Hello, ye sab kya hai? यार ये बड़ी प्रॉब्लम है, बंदे को इंग्लिश ना आती हो ना तो बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो अनाउंस हुआ द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन। नहीं नहीं, वो मुझे समझ में आ गया, मैं सोच रहा हूँ लड़की की क्या मजबूरी जो तुम्हें ऐसा बोल रही। वो आज मैं इधर स्टैंड अप करने आया हूँ। अच्छा, तो बीच में नहीं बोलना आज। अच्छा, अनुभव भाई, अभिषेक भाई, खुशा, जाकिर भाई, आज इतने इतने बड़े कॉमेडियन मेरा शो देखने आए हैं। तेरा शो नहीं देखने आए, वो कितने साल की हो गई वो? कौन? तेरी गलत फहमी जो तूने पाल रखी है। तेरा शो देखने आए, तू गुस्सा है जबरदस्ती। देखो, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटेगा क्या? यही जो तू कर रहा है ये कटेगा। यार बीच बीच में बोल रहे हो, ये नहीं सोचते कि दोस्त आया परफॉर्म करने, ऑल द बेस्ट बोल दूं? ऑल द बेस्ट, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओ भाई मुझे बोलना है, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, उनको सुनना है, वो सुन रहे हैं। ये जो आप बीच बीच में बोलते रहते हो ना, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। क्या? एक शो बनाओ, द कपिल शर्मा शो, और उसे सोनी टीवी बेच दो। तो चल ही रहा है 10 साल हो गए। तो भाई जब 10 साल से तुम्हारा चल रहा है। 10 मिनट तो चल रहा था। ये ले, ये कोई भी आपका कोई अमीर रिश्तेदार हो उससे पूछना कि ये कैसे कटता है, इसको खाना। भाई तुम ही रख लो, तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हमारा रिश्तेदार। वाह ठाकुर, छा गया आज। यार मुझे शो करने में चालू कर लूं जरा। हाउ मेनी पंजाबी इन द हाउस? तू डीजे? हाउ मेनी पंजाबी इन द हाउस? ये क्या बात हुई? इसीलिए बोला कभी कभी ओपन माइक पे आया करो। हमारा क्लोज एनवायरनमेंट में चल रहा है। यार कपूर शर्मा एक बात बताओ, तुमसे पहले का मैं टीवी कर रहा हूँ और ऐसे बोलते अच्छे लगते तुम मेरे को? ये परा जाकिर भाई, ये बंदा एक्चुअली मेरे से पहले का टीवी कर रहा है। हाँ। पर ये है बड़ा ग्राउंडेड, इतना लो प्रोफाइल रहता ना, काम ही ऐसा करता है कि मजा ले कोई पहचान जाए। मुझे भी लगा कि बॉलीवुड है नहीं मेरे लिए, वैसे भी मेरी लुक थोड़ी सी तो हॉलीवुड के लिए है। जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म देखना, उसमें जो उसने शूज पहने ना, आप इसके नाक में लेसिस डाल दो। कह लो और कह लो,
और कुछ मैंने नहीं कहना यार, हमारा अच्छी बातें चल रही थी। आज मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहना, मैंने उस दिन जवाब देना जिस दिन मैं ओटीटी पे आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे ना थोड़ी बोलने की फ्रीडम है, टीवी पे ना बहुत सी बातें बोल नहीं सकते। ये लोग भी इसीलिए चुप बैठे हैं क्योंकि टीवी बहुत सारी चीजें बोल नहीं सकते, तो मैं इसलिए कुछ कह नहीं रहे। भाई आज कॉमेडियंस की इंटरव्यू ले रहा है, हाँ है ना, ये तो अभी अभी मशहूर हुए हैं। मैं 15 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, मेरी तुमने कभी इंटरव्यू ली? पर ये मशहूर हो गए ना उस हिसाब से। दोस्ती नाम की कोई चीज होती है? उसी के चलते तू आ जाता है हर बार। अरे यार नहीं, नहीं, मेरी बात सुन ले, पता क्या है, देख दोस्ती के नाम पे एक बार मेरी इंटरव्यू कर तो सही। बैठ जाओ, जगह ही नहीं है एक्चुअली, जगह ही नहीं है यार, बैठ जाओ कभी तो बैठ के देख लो, अपने से तो नहीं हो रहा। तो राजू जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। राजू बहुत बढ़िया, शादी का जो आपको प्रोग्राम मिला है सर्विस करने का, वो कर रहे हैं कि इसके बाद करने जाना है? ये सवाल बचे मेरे लिए। एक बार में कितने स्नैक्स डिलीवर कर देते हैं? यार उनसे ऐसे करके दर्द नहीं होता बहुत देर? के उस... नहीं कहने को तो वकील भी कह सकते थे पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। आपको देख के यार उनसे तुम इतने अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हो कि आपका वीडियो आया, कब आया, वायरल कैसे हुआ, कोई ऐसे सवाल मुझसे पूछो ना, ये क्या प्लेट ऐसे हुई, ये क्या? वीडियो वायरल हुआ तो उनके हुए, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको जो पिछले महीने वायरल हुआ था वो क्यों हुआ था? तालाब में नहाने की वजह से हुआ था? पता क्या है, इसको आते फिल्मों वाले सवाल। यूट्यूब के मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आप लोगों का वीडियो बनाते हो, आप डालते हो, है ना, ठीक, तो वीडियो डालते हो, उसके नीचे जब कमेंट आते हैं उसमें जो कभी कभी गालियां आती हैं उनका क्या करना होता है? वो तेरे अकाउंट पे आती है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत बहुत सीनियर आदमी, पर बिल्कुल यही आया था मेरे मन में। अच्छा हैरानी की बात यह है, फॉलोअर 16 है, गालियां 175 आ जाती है, तो ये भी अपने आप में ऊपर वाले की कृपा है। You have been the lovely audience and this was my lovely time which you wasted. Thakur yaar tu aise yaar mera bhai to Kappu Sharma bhai aapko payment isko apna asli talent pata hi nahi hai nahi to iske jaisi foot massage kuch aur kuch main kya security bulaun fir abhi tu hat nahi raha nahi 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 zyada fayda le nahi nahi main sach mein bahut khush hu in sab se milkar bahut bahut zyada आप बैठ के भी मिल सकती हैं वैसे। थैंक यू वेरी मच। राजू के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। आप सब अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हैं, नीचे लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं, मैं कुछ फोटोग्राफ्स निकाल लिया आपको दिखाना चाहता हूँ। जाकिर भाई आपको यहाँ पे आना है जी। हम दोनों ने हॉस्टल में बस यही डिस्कशन किए हैं 5 साल, ये सोसाइटी, ये फैमिलीज, ये लाइफ, ये रिलेशनशिप्स, ये बुक्स, ये मूवीज, ये स्टैंड अप, ये दोस्ती एक्सेट्रा, ये लास्ट ईयर की फोटो है। दोनों ही कुछ नहीं थे, इस दरवाजे का खुलना बाकी था, शायद जो बीच में है हमारे, आज मिलते हैं तो डिस्कशन सेम होते हैं, बस अब बीच बीच में बोल देते हैं, याद है ये बात तब हुई थी, किस्मत ने ये दरवाजा खोल दिया, उसका शुक्रिया, इसे टैग नहीं करूंगा, बड़ा आदमी है अब ये। नीचे कमेंट्स देखते हैं, आइए। पीजी में रहने की यही प्रॉब्लम, अगर एक की गर्लफ्रेंड आई हो तो बाकियों को बाहर खड़े रहना पड़ता है। और दिखाइए भाई, एक बार दरवाजा खटखटा के देख लो, कई बार बाथरूम में बैठा इंसान सिर्फ फोन पे बिजी होता है। रिप्लाई है, बगल वाले भैया को देख के ऐसा लग रहा है थोड़ी देर और लगी इनका तो इनका काम खराब हो जाएगा। भाई मैंने भी अपने दोस्त के साथ मेमोरेबल फोटोज संभाल के रखी हुई हैं, अब बस मैं उसके फेमस होने का वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ मेहनत ही नहीं करता। और दिखाइए, जाकिर ने फोटो डाला, सब कुछ मीठा नहीं होता, कड़वी घूंट भी पीनी पड़ती है, दोस्ती की कहानी सुनाने के लिए निभाने की कहानियां जीनी पड़ती हैं। वाह, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। जाकिर भाई इन दोनों को कन्विंस कर रहे हैं, तीनों ऑटो में चलते हैं, किराया कम लगेगा। एक्चुअली बात तो हुई इसमें तो हो सकती है तो हाँ। बातें तो कुछ नहीं है। कपड़े देख के लगता है हाफ शर्ट वाले की कॉर्पोरेट जॉब है और ये दोनों उधार मांगने आए हैं। ऐसे तो फिर जाकिर भाई के कपड़े देख के कहोगे वो शिला जी तो अश्वगंधा बेचने आए हैं। सारे कमेंट्स आते हैं। और दिखाइए,
ये वही सिंगल लोग हैं जो पार्क की झाड़ियों में बैठे कपल्स को परेशान करते हैं। और दिखाइए। One minute I feel, next minute I also feel 95% of my clothes are अच्छा ये वो सब हाँ। कैप्शन बड़े कमाल के लिखती हैं लड़कियाँ। बहुत बार मेरे कपड़ों पे टैग्स लगे होते हैं तो लोग कहते हैं दीदी टैग तो हटा लो कम से कम। छुपा लिया करो टैग को। बट जब आप कपड़े ट्राई कर रहे होते हैं आप सोर्स करते हैं तो टैग्स लगे रहते हैं तो हम रियल है ना इंस्टाग्राम पे हम इतना सोचते नहीं है। वी डोंट वर्षा जी आप भी रिमूव मत किया करो टैग कोई बात नहीं। अब तू भी सोर्स करवाता है तेरा टैग तो मतलब ला 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 हाँ, मुझे अच्छा लगता है। आज के कपड़े सॉस्ट है कि नहीं? हाँ सॉस्ट है। आज ये हाँ, सॉस्ट है। बिल्कुल। मेरे कुछ सोर्सेज से मैंने ये सोर्स करवाया। नीचे कमेंट देखते हैं। जब रील पे मन चाहे लाइक्स ना आए। इट्स ट्रू। ड्रेस के कपड़े का सोफा बना दिया और सोफे के कपड़े का ड्रेस। ये मेरे घर का पर्दा था। इनका टीवी का रिमोट सोफे के अंदर घुस गया है उसी को हाथ डाल के निकाल रही है। हील ज्यादा लंबी ले ली अब चला नहीं जा रहा। कुशा सीरियसली मेरे को एक बात पूछनी है जो लड़कियां इतनी लंबी हील पहनती हैं अनकंफर्टेबल नहीं होता उससे? अनकंफर्टेबल होता है पर हम साथ में चप्पल लेके चलते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं। ये बात कभी मुझे हीरोइनों ने नहीं बताई आज तक। कितनी अच्छी ऑनेस्ट लड़की हो तुम। मैं हीरोइन हूं भी नहीं तो मैं बता सकती। और दिखाइए। बालों की ग्रोथ ज्यादा ही तेज हो रही है क्या है ये मनु क्या क्यों किया ऐसा? एक विग मिली थी पहन ली। मुझे तो बिकनी भी मिलती वो भी पहन लेते। पर बहुत मनहूस लग रहा है तुम्हें देख ही नहीं रहे हो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या ऐसे लंबे बाल वालों को क्या विदेश में दोस्त जल्दी मिल जाते हैं? दोस्त का तो पता नहीं भाई लेकिन खाना तो मिल ही जाता है। इनके बालों की ग्रोथ देख के लग रहा है ये यमुना पार से पैदल चल के विदेश पहुंचे हैं। और दिखाइए। यार क्यों ढूंढ लिए? मैं भी कल अंधेरी स्टेशन पे एक सिमरन के पलटने का इंतजार कर रहा था लेकिन जब वो पलटी तो सिमरनदीप निकला। और देखते हैं। बस्ती साहब ने फोटो डाला सोचा एक फोटो तो डाल दूं एम्स्टर्डम में मजे आ रहे हैं गाइस फुल। कमेंट्स दिखाइए नीचे। ऐसे फोटो तो इंसान रिश्तेदारों के लिए डालता है विदेश की असली फोटो तो दोस्तों के ग्रुप पे डालता है। आप एम्स्टर्डम जाकर भी एक ही फोटो डाल रहे हैं। मेरे चाचा का लड़का अलीगढ़ गया था उसने अलीगढ़ डायरीज बोल के 150 फोटो डाल दी। और दिखाइए। जाकिर भाई ने फोटो डाला है हैड अ सुपर फन टाइम चैटिंग विद द लेजेंड मून स्टार अक्का बबीता जी। तो सिंगल ही है फिर आप। आइए नीचे कमेंट देखते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं इन्होंने ये जैकेट और जीन्स सिर्फ बबीता जी से मिलने के चक्कर में खरीदी है। बबीता जी से मिलकर जेठालाल इतना लाल नहीं हुए जितना जाकिर लाल हो रहे हैं। और दिखाइए। Why be खोखला when you can be a ढोकला? पूरी जिंदगी इसके पीछे कवि की क्या मंशा है कवि क्या कहना चाहता है? ये कैप्शन नहीं खुद ही कमेंट लिख रही थी वहां पे। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। पड़ोसन को बहाने से अपनी साड़ी का डिजाइन दिखाते हुए किसी ने कहा येलो मेरा फेवरेट है पहले येलो की स्पेलिंग सही लिखे। येलो आप ऐसे खिड़की पे मत खड़े रहिए बाहर सब्जी वाले की पूरी सब्जी बिक गई फिर भी चिल्ला रहा है सब्जी ले लो सब्जी ले लो। बिल्डिंग सेक्रेटरी लिखा नीचे। और दिखाइए। जिंदगी बस दो घड़ी की है। अच्छा दो घड़ियां ये कहाँ की फोटो है अभिषेक? ये मुंबई की है। घर की फोटो है सी फेसिंग नहीं होटल की है। अच्छा पर आप तो कभी मुंबई में घर है ना? हाँ रहने नहीं देते उधर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये इतने वेले हैं दोनों घड़ी में देख रहे हैं पहले 12 किसमें बजेंगे। कोई कहता है जिंदगी दो घड़ी की है कोई कहता है जिंदगी चार पल की है कोई कहता है जिंदगी बहुत छोटी है कोई कहता है जिंदगी बहुत बड़ी है बस यही सोचते सोचते मैं 65 का हो गया अब समझ में आया जिंदगी झंड है। बहुत बढ़िया है। और देखो यही फोटो की बात कर रहा था मैं बताओ कौन सा प्लॉट खाली करवाना है। आइए देखते हैं नीचे कमेंट।
भाई मकान ही खाली करवाते हो या सामान भी शिफ्ट करवा देते हो? वाह साहब, आपके हर पोस्ट में कैप्शंस बड़े फनी फनी से होते हैं, आप कॉमेडी वगैरह क्यों नहीं करते? और दिखाइए, बस खत्म। कुशा, आप इतना सोशल मीडिया पे रहती हैं, हमने आपके बारे में सुना है कि आप पहले लोगों को सलाह देती थी कि सोशल मीडिया पे इतना मत रहा करो, और उसके बाद खुद आप इतना रहती हैं, कहते कि जब आप घर पे नहीं होती तो सोशल मीडिया पे होती हैं। एक हमने आपका एक बात सुनी थी कि आप अंडमान कहीं गई थी शायद, और आपका मोबाइल बंद हो गया था, क्या हो गया था? वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है एक्चुअली। अच्छा, तो फिर कैसे कटी जिंदगी? अंडमान में नेटवर्क नहीं आता है, मेरा पूरा काम फोन पे है। जैसे ये तीनों शोज करते हैं, स्टैंड अप शोज करते हैं, मेरा सारा काम ही, मेरा ऑफिस इज द फोन, बिकॉज मैं वीडियो फोन पे डालती हूँ। तो वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आया 3 दिन, तो मुझे कुछ पता ही नहीं लगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। मैं बहुत अपसेट हो गई, तो मैंने खाना नहीं, ये नहीं होता कि मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने उस दुख में और खाना खा लिया था। ऐसा नहीं होता, मैंने खाना नहीं खाया था। और ऐसा भी नहीं, पाजी आप कुशा से कभी मिलोगे? मतलब हम मिले थे, तो कुशा हमें बताती है कि तुम दोनों को इंस्टाग्राम पे और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ऐसे रील बनानी चाहिए। दोनों को नहीं आती हमें बनानी। रील नहीं बनानी आती? कुछ भी नहीं, आप क्या कर लेंगे उसमें, वो क्रिएटिव वो वाला पार्ट आता ही नहीं है कुछ भी। तो वो उन्होंने आइडिया भी दिए थे कि इसको अपने इस स्टैंड अप का इतना सा पार्ट काट के तुम डालो, तो इन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिया, मैंने वो डाल दिया, इन्हें तो वो भी नहीं करा। एक वीडियो मैंने डाली, वो वीडियो सही में ठीक ठाक चली वो रील, तो मैंने कहा आप तो करेंगे। मैंने कुशा को थैंक यू बोला, मैंने कहा तो अब देखो फॉलोअर्स कैसे बढ़ाता हूँ मैं। बस वो दिन था और आज का दिन है, दोबारा नहीं डली दूसरी। अभी रिसेंटली इन्होंने बालम थानेदार पे डांस किया, वो दुआ ने बनाई। अच्छा, लड़कियां तो ठीक है कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं? मैंने किया। चलो फिर टॉपिक चेंज करते हैं। बसी साहब एक बात बताओ, आप जब भी मुंबई आते हो, आप अभिषेक के घर पे रुकते हो, आपका प्यार ज्यादा है कि किराया वगैरह आप देना नहीं चाहते? मैं रुकता नहीं हूँ घर पे, मैं आता हूँ घर पे। अच्छा, तो मैं कहीं भी होटल होगा, कुछ भी होगा, तो उसके बाद मैं फिर फोन करता हूँ कि कहाँ पे है, क्योंकि भाई ज्यादा बिजी रहते हैं, इसका आदमी का मुझे पता है, ये आपको बैग टांग के बैंड्रा में घूमता मिल जाएगा ऐसी। रैंडम प्लान बनाता है, रैंडम ये घूमता ही फिरता ऐसी पैदल ही, हाँ यही तो है, चलो चल लेते हैं, कोई मतलब नहीं कहाँ पे, तो मुझे पता है आसपास ही होगा कहीं। अच्छा, दिल्ली में मैं अकेले रहता हूँ, यहाँ पे अकेले रहता, तो पता है जाना इसके पास जाके रुकना। ये भी बड़ी मौज होती है जब आप अकेले रहते हैं ना यार दोस्त सारे, उसके बाद सबकी शादियाँ हो जाती है धीरे धीरे, फिर ये माहौल भी नहीं बनेगा। मैं तो बोल रहा हूँ शादी नहीं करनी चाहिए, सबसे ना बोल रहा हूँ, सबसे बोल रहा हूँ मैं, मत करो बिल्कुल। मेरे घर वाले पीछे पड़े हुए हैं शादी के मेरे। अरे मैं घर गया था एक बार अभी, तो मैं मम्मी कह रही कर लो बेटा शादी, क्या हुआ? मैं कह रहा नहीं अभी टाइम नहीं है, तो कह रही देखो हमारे सामने वाली बिल्डिंग में एक आदमी रहता है 45 साल का हो गया, शादी नहीं हुई अब तक बेचारे की। मैं कहा बेचारा क्या है इसमें? कह रही बेचारा अकेले ही कपड़े सुखाता रहता है, ठीक है, अकेले बैठ के कबूतर देखता रहता है, पूरी बिल्डिंग में उससे कोई बात भी नहीं करता है। मैं कहा तो करता क्या है? कह रही स्मगलर है। मैं कहा पहले वो बताओ, ठीक है, पहले इनके लिए कुवारा होना ज्यादा बड़ी। हाँ। कि ये हिटलर की बोलेंगे मुझे ठीक नहीं थी, बाकी भूल जाएंगे उसने क्या किया। अच्छा, कोई बाहर का किस्सा सुनाओ मजेदार, क्योंकि आप लोग मैंने देखा अभी बस्ती भी बाहर थे, आप भी कितना घूमते रहते हो। मेरी बेइज्जती इतनी इंडिया में हो चुकी है कि मैं बाहर किसी को चांस ही नहीं देता। एक तो अपनी और बच्चों की बनती नहीं है, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे सबसे प्यारे होते हैं 5 से 10 साल वाले, क्योंकि उनको तुम काम बता सकते हो, चल पान ले क्या। 11 के बाद वाले बच्चे नहीं है, वो सब बाप है, उनको सब पता है परियां छोड़ के गई थी कि नहीं गई थी। सबसे भयंकर बच्चे होते हैं 1.5 से 2.5 वाले, समझ गया ना किन्नी बात कर रहा हूँ, वो जो चल नहीं पाते हैं पर बोलने लग गए, वो अपता कुचू वाले। उनके हाथ में सामान आने लग गया पर उनको पता नहीं इसका करना क्या है। वो तुम्हारी आंख में चम्मच मार देंगे। अरे मैं उस दिन कॉफी पी लिया था, मेरा बेटा रिमोट डाल गया उसमें। पर बेटा ऐसा करता है, बेटी नहीं करती, वो बहुत ध्यान रखती है, उसको मुझे शक ही रहता है कि उस दिन कॉफी में डाल गए। एक दिन आया बड़ी तेजी से, वो चलना ही सीखा अभी, वो आया फटाफट टेढ़ा मेढ़ा लटकाते, आते ही मेरा मोबाइल उठाया, मुझे शक था कि क्या करने वाला ये, क्योंकि बाप तो मैं ही हूं उसका। वो गया मेरे कमरे में, सीधा ही कमोड उठाया, मैं वहीं पकड़ लिया। पर ये करते हैं वाकई। हाँ, तो अपना बच्चों से, अब प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने ये वाला कल्चर बना दिया कि अगर आप कुत्ते से बात नहीं करते हो, बच्चे से बात नहीं करते, आप इंसान अच्छे नहीं हो। ठीक है, है ना, और अपने से दोनों से, मेरे से जो जवाब नहीं दे रहा उससे बात करने का कोई मतलब नहीं।
एक तरफा आशिक मुझे समझ में आता है, एक तरफा बात करने वाले मुझे समझ में नहीं आते. अगला जवाब नहीं दे रहे लोगों कुछ कुछ. अपने बस का नहीं है ये सब. मैं ट्रेन में बैठा एक बार, इंदौर से मैं दिल्ली जा रहा था, ठीक है. तो मैं बिस्किट विस्किट लेके रखता हूँ, ऐसे ही अपने को पसंद है. बच्चा रो रहा भयंकर, 2.5 साल की लड़की, चैम पैम पूरा डब्बा उसने तहस नहस कर दिया. तो मुझे लगा यार कि बच्ची है, रो रही है ना. तो मैंने उसको बिस्किट दे दिया. अच्छा उसकी मदर नहीं थी, फादर ही थे जो संभाल रहे थे. बाप से ऐसे संभाल लिया बच्चा, वैसे वो भी हो रहा था. मैंने कहा थोड़ी देर में आती होंगी, वो संभाल लेंगी, उनको ट्रिक ज़्यादा अच्छी पता होती. उसने बोला नहीं नहीं नहीं, खुददार बाप था सब, नहीं नहीं करके उसने बोला मैं बाहर खिलाता हूँ ये, ठीक है. ऐसे उठा के मैंने बिस्किट ऑफर किया, उसने बिस्किट नहीं लिया. मैंने कहा अपना क्या, अपन ही खाने वाले थे वैसे भी. और मैं खाना खा के आया था, 5 मिनट बाद वो पुलिस वाला लेके आ गया. अच्छा, कहिए नशे के बिस्किट खिला रहा है. नशे के बिस्किट. अब वो पुलिस वाले ने मेरे से पूरा बिस्किट खिलवाया मेरे को, खा के दिखाओ कि इनमें नशा. अब मुझे आ रही नींद, मैं सोया हुआ नहीं कल रात का, मैंने यहाँ तक खाना खा रखा. पूरा बिस्किट बैठ गया, उबके आ रही है मेरे को, उबके आई है, मुझे पकड़ लेगा अभी. अभी उतार लेगा तो ये पक्का इसमें जहर था. तो मेरी इतनी बेइज्जती इंडिया में हो चुकी है, मैं बाहर फॉरेन में ये सब रिस्क लेता ही नहीं. मैं टहलने नहीं जाता, मेरे को चांस ही नहीं लेना है मत. और मुझे समझ में आया कि जैसे अगर आप फॉरेन में जाओ और उनसे अगर आप एक्सेंट में बात करो, एक्सक्यूज मी वेयर इज द 5th स्ट्रीट, उनको समझ आता है कि अपन ट्राई कर रहे हैं. तो वो और कॉपी करते हैं कि ओह रियली, यू वांट टू गो 5th स्ट्रीट 5th स्ट्रीट. तो मैं इसका इलाज बनाया कि मैं ये वाला एक्सेंट वैक्सेंट वाला ट्राई करता ही नहीं हूँ. मैं सीधे उस पर रहता हूँ कि हेलो ब्रदर, 5th रोड. उन्हें फट समझ में आता है. कुशा की मम्मी की भी एक अपनी डिक्शनरी है, ये आप खुद बताएंगी. कुशा क्या है आपकी मम्मी की डिक्शनरी जो है, क्या मेरा है? पूरा करियर ही मेरी मम्मी की वजह से चल रहा है एक्चुअली. 70% ऑफ माय करियर, बिकॉज़ मैं उन्हीं की नकल करती हूँ अपनी वीडियोस में. अच्छा. वो कुछ भी शब्द बनाती है और उनको पता ही नहीं कि वो कितनी फनी है, राइट? उनको अंदाजा ही नहीं कि वो कितनी फनी है. तो वो वो अगर बोलती है ऐसे कि ना घर चलो मैं घसुंड मारूंगी तुमको, घसुंड मारूंगी. एंड घसुंड, मुझे लगता है घसुंड इज लाफा मुक्का समथिंग, पर जैसे वो चल रही होंगी घसुंड के जैसे बैठे हुए हो, तो घसुंड एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, किसी को नहीं पता. और फैमिलीज में होता ही है ना कि पहली बात ही वो आपकी बॉडी पे कमेंट करते हैं. तो एक आंटी बस ऐसे आएंगी और बोलेंगी कुशा बड़े फ्लफी हो गए हो यार, फ्लफी हो गए हो. फ्लफी कौन, अरे कुत्ता थोड़ी ना हो, फ्लफी कौन बोलता है. और हमारे तो पता, शादियों में अगर आपने पंजाबी शादियां अटेंड की हो बचपन में कभी, आप पंजाब में, मैंने तो सिठनियां होती थी. एक बारात आती है और लड़की वाले बोलते हैं कि जीजे का ढिड इतना बड़ा. की मजाक करते हैं कि ऐसा है. तो दोस्तों आज नए साल का जश्न है, हंसी मजाक के साथ साथ थोड़ा गीत संगीत का माहौल बनाते हैं. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा मैं जबरदस्त तोड़फोड़ सिंगर ऋचा शर्मा जी. जोरदार तालियां बजाएं. दीदी आप बड़ी प्यारी लग रही, बड़ी चमक रही हो आज. मैंने बस मैंने कहा आज मैं नहीं सितारे गिराने, सारे लूट लो जितने लूटने. मुझे बैकस्टेज ये बोल रही थी, खबरदार मेरी दीदी भी दी बंद कर पीछे बैकस्टेज बोल लिया कर, टीवी पे मत बोला कर. मैं कहती अपने आप को दीपिका से कम नहीं समझती हूं मैं. दीदी बहुत बहुत स्वागत है, आओ. थैंक यू सो मच. दीदी इससे पहले कि अर्चना जी, इससे पहले कि दीदी हम बैठे, एक बार सुना दो जिंदगी में कभी कोई एनर बंद दी. क्या बात, क्या बात, वाह वाह. थैंक यू ऋचा दीदी. वैसे तो बॉबी डॉल जैसी बनकर रहती, अंदर शेर जैसी आवाज है इनके ना. कहां माइक पकड़ा हुआ था देखो. पंजाब हरियाणा के बंदे ऐसे होते, ऊपर से कुछ दिखते अंदर से कुछ और होते. मुझे तो लगता है किसी बड़े उस्ताद को उबाल के पी गई ये. ऐसा गला है इनका. सबसे पहली बार जब मैं आई थी 5 साल पहले, तो ये मुझे कहते ये ऐसे गाती हो, दौड़ के गाती हो, अख्तानपुरा खा लिया था क्या? मैंने कहा हाँ चलो आई गई बार. अगली बार आई, आप कैसे गा लेते हो इतना दहाड़ के, आवाज आपकी किधर जाती? मैंने कहा मैंने तानपुरा खा लिया था. तुम भी बोलते हो, तुम भी सवाल करते हो, इसके मतलब जोक जो है ना, आज मैं इसको जवाब देती हूँ बैठ के. दीदी शो बनाया ना 3 महीने के लिए, हो गए 10 साल, मेरे सवाल खत्म हो गए हुए. तो अब तो जो भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहे हैं, चलता जा रहा है. मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां कपिल के लिए, क्योंकि कपिल ने जो कॉमेडी लेवल यहाँ किया है ना, आशीर्वाद है दीदी आपका. कमाल, कमाल. लव यू दीदी. आइए, बहुत बहुत स्वागत है. माहौल देखो गर्म रहना चाहिए. अब मैं बुला रहा हूँ मेरे बड़े भाई, जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर जसबीर जस्सी. जस्सी पाजी प्रणाम. जस्सी पाजी के लिए जोरदार तालियां हो रहे हैं पाजी.
बहुत बहुत स्वागत है, आइए। मुझे यकीन नहीं हो, ये वही लोग हैं जब भी कभी भी हम सोशल मीडिया पे जब हम इन लोगों का कोई भी क्लिप आता है या ये इनका शो आता है तो हम ऐसे मतलब तैयार होके बैठते हैं, ये क्या बात है क्या बात है, और आज ये डरा रहे हैं जैसे हमको। नहीं, वो आपके आने से पहले काफी हंसी मजाक हो चुका है एक्चुअली। तो हमने क्या गति को हाथ लगाया है जो हमको नहीं हंसा रहे हो? हद होगी। बच्ची साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे ऋचा दीदी से, जस्सी पाजी से? मैं बस इतना पूछना, आपको तो पता था ना हम लोग आ रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने हाँ कैसे बोल दिया? मैं बोल लेता, मुझे एक्चुअली अगर मुझे सिंगिंग तो आती नहीं, तो अगर मैं कल से सीखना शुरू करूं तो कितने टाइम में इतनी आ जाएगी कि अगर मैं गाऊं तो कोई मुंह पे थूके ना? तो मतलब कितने? एक शर्त पे बताती हूँ, पहले सा लगा के दिखाओ फिर बताऊंगी गा भी सकते हो कि नहीं। बोलो सा सा। संगीत की बातें तो भूल जाओ क्योंकि तुमसे संगीत पता कितनी, तुम कहाँ से हो? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से बम्बई कितनी दूर है? बहुत। सुर उतना ही दूर है तुमसे। तो हमें एंटरटेन करते रहो, बाकी सीखने का जज्बा हो ना तो लोग समुद्र पार कर जाते हैं। मुंबई चंडीगढ़ क्या बात, क्या बात है। पर मैं आपको बताऊं, जितना मर्जी सीख लो मुंह पे थूकने वाले की कोई गारंटी नहीं होती। पाजी, इसका पता करवा लो, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका है। क्या बात है, छा गए आप। पाजी, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे इतने सारे वीडियोस देखे हैं जी। प्राइवेट शोज भी करते हो आप, किसी का वेडिंग शो भी जी। तो उनकी जो फैमिलीज नाचने लगती हैं, आप भी साथ में नाच रहे होते हो, किसी और की लेडी के साथ इतने कॉन्फिडेंस से कैसे नाच लेते हो? मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे ऐसे लगता ही नहीं है कि कोई बेगानी है। क्या बात है साहब, ये सीख के गए। जस्सी जी से उनका वो किस्सा सुनिए ना, फ्लाइट में ये सफर कर रहे थे, बड़ा चटकारे लेके बताएंगे। एयर होस्टेस जो जा रही है ऐसे सोच रही है कौन बैठा है ना, गुड़ी गुजराती जब हिट हुआ था। गुड़ी गुजराती आए था, तो उस टाइम पे हम लोग जा रहे थे कनाडा को, तो वो कुड़ी ऐसे करके बड़ी तेज से निकली, तो उसने कहा ऐसे करके देखा, तो मैं कहा जस्सी जस्सी। अच्छा, एक वो वाली अवस्था भी होती है कि या तो आपको कोई ना पहचाने, हाँ। या तो पहचानते बोले अरे आप ये हो, हाँ। एक अवस्था वो वाली होती है कि आपको देखते भी रहते हैं, हाँ। और खुद ही आपके सामने ऐसे रिएक्शन देते रहेंगे। और हमारा ये होता नहीं, और हमारा अंदर से ऐसे आ जा कह देना मैं ही हूँ। वाकई, और उनके रिएक्शन भी ऐसे होते हैं आपके मुंह पे ही। नहीं, आपस में बात कर रहे होते हैं आपस में कि यहां क्या कर रहे हो? आपस में एक तो फोन हमारे साथ तो वो होता है ना कि हमारे सामने वीडियो चला के दिखाता है अपने चार दोस्तों की, वो है, वो कह रहा है नहीं वो नहीं है, ठीक है। फिर वो वीडियो ढूंढता है, फिर वो वीडियो चलाता है, फिर चलाने के बाद दो को पसंद आता है, दो कहते इतना खास नहीं है। हम वही गणित देख रहे हैं। मेरा एक सवाल जाकिर से है कि जाकिर, मैंने सुना है और कुछ एक छोटी मोटी क्लिप्स भी देखे हैं, बहुत अच्छा सितार बजाते हैं जी। अभी आपका वो रियाज चल रहा है? नहीं नहीं, अब तो छूट गया। अभी इनका दूसरा काम चल रहा है जी। हाँ हाँ, वो मैंने इनका एक शो देखा था, उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया था कि पहचान कम है रियाज, पता नहीं पर मैंने देखी थोड़ा सा, तो कर थोड़ा सा हाँ। पर मुझे ना अली अकबर खान साहब है ना, अमजद अली खान साहब के फादर, उनका मैंने कॉन्सर्ट देखा था 9 साल की उम्र में, तो उन्होंने कहा था कि जिस इंसान के सांस पे धूल चढ़ जाती है उसकी जिंदगी पे धूल चढ़ जाती है। तो मैं बजाता नहीं हूँ पर मैं साफ हर हफ्ते कर लेता हूँ। आप गाते भी बहुत अच्छे हैं। ना जी ना, गाते नहीं बिल्कुल गलत, मैं गाने का बता दूं मैं आपको, तो हमारे दादा उस्ताद मदन खान साहब, ठीक है, सारंगी बजाते थे, तो एक दिन मैंने कुछ गुनगुनाया, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि बेटा इधर आओ, कि जबान क्या होती है, लैंग्वेज कैसे यूज करना होता है, तो उन्होंने उर्दू में मुझे सिखाया कि अंधा नहीं बोलते, खराब लगता है, करते नाबीना बोलो, कि बिनाई मतलब नाबीना जी, है ना, बिनाई मतलब नजर, और नाबीना मतलब जिसको नजर नहीं आता वो, ठीक है। बड़ा मैंने मुझे भी लगा कि अरे दादा कुछ नया वर्ड सिखा रहे हैं, है ना, मैंने बड़े वो मेरे उस्ताद होते थे। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद मेरे वालिद साहब आए, 5-6 लोग और आ गए, उसके बाद उन्होंने मेरे पापा को बोला कि इससे गवाना मत कभी लड़के से, गले से नाबीना है ये। पर आपको ये तो पता है ना कपिल कितना अच्छा गाते हैं? ये मुझे मालूम है साहब, मैंने सुना ना ऐसे सुरीले लोगों को है। चलो सुन के आप आज मेरे साथ एक हो जाए दीदी आप। अरे मैं शुक्रिया दीदी, लव यू, आप कमाल हो। थैंक यू सो मच। जैसी भाजी, वो किस्सा तो सुनाओ ना, ये बड़े मजा आएगा इनको। वो जो आप फर्स्ट लेडी वाला जब आप गए थे
अमेरिकन प्रेसिडेंट के वहां पे परफॉर्म करना है इनको, आगे ये सुनाएंगे। हाँ जी पाजी, तो इंग्लिश हमारी सबकी सेम स्कूल से हम पढ़े हैं जी पाजी। इंग्लिश तो मैं अभी थोड़े दिन पहले भी कैलिफोर्निया गया तो वहां पर जेफ बास्कर के साथ, वहाँ सारे अंग्रेजी अंग्रेज, तो एक बंदा है जेफ बास्कर, मेरा दोस्त है बहुत। अच्छा अच्छा, तो उसके साथ ही मैं बिक्सर में ठहरा हुआ था। अच्छा। तो वो सारे स्कॉट, ये वो सारे बंदे आए। हाँ। तो स्कॉट ने देखा कि ये कुछ कुछ बातें करता है पंजाब की, तो हाँ। मुझे कहता कि आर यू पंजाबी? यस। मैं कहा यस आई एम पंजाबी। तो ही सेड देयर इज ए पंजाबी गाय, हिज नेम इज ब्लू। मैं कहा ब्लू नहीं बिल्लू होना है। वो जब पहले पहले हम बाहर हम लोग गए थे ना, हाँ। वहाँ टूर करने के लिए, तो वहाँ बड़ा शोर था। मैं हिलरी क्लिंटन के लिए, उस टाइम फर्स्ट लेडी होती थी हिलरी क्लिंटन, तो फर्स्ट लेडी के लिए भी एक शो करना था फंड रेजिंग। तो एक बंदा वैनकूवर में आया, एक कनेडियन, उसने बोला कि आई वांट टू डू इंटरव्यू विद यू। मैं क्या, आई एम वेरी, माय इंग्लिश इज हॉरिबल। कहता नो नो, यू आर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। वो भी वहां का अनपढ़ होगा। तो जब हम लोग गए तो वो कुड़ी और मुंडा जो थे, लाइव शो था, तो कुड़ी मुंडा, वो कुड़ी एक तो पहले आते ही वो जिधर मेकअप हो रहा था आके सीधा सेल्फ के ऊपर बैठ गई है ना, कहती जस्ट सी आई विल आस्क यू दैट। मैं कह यार ये तो बड़ी सिंपल अंग्रेजी है, तो पूरी समझ आनी है मुझे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो मैं उससे बातचीत कर रहा था बड़े सोच सोच के, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम पंजाबी में सोचते हैं फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, कि देखो बड़ी मुश्किल होती है ना, वो प्रॉब्लम होती। तो मैंने, मुझे लगा बड़ा अच्छा, मैं क्या नो प्रॉब्लम, डोमरी डोमरी है ना। तो जब वो सारा कुछ हुआ, मैं वहाँ से दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, कुड़ी कुड़ी गा के, तो उनके साथ ऐसे बैठना था, वो कुड़ी बैठी है, वो लड़का बैठा हुआ है। तो उसने पहले क्वेश्चन किया, सो जस्ट सी यू नो दैट, जो पाई के ऊपर करके मेरे सिर से ऊपर निकल गई सारी है ना, पहला क्वेश्चन ही निकल गया, मैं क्या मर गया ना। तो मैंने मैंने बोला कि दिल लगी कुड़ी गुजरात दी मीन वन गर्ल स्टोलन माई हार्ट। तो उसको पता चल गया कि ये पैदल हो गया पूरा है ना। तो उसने दूसरा क्वेश्चन किया, बड़ा सोच समझ के, उस कहते हैं जस्ट सी यू नो वी नो दैट यू आर गोइंग टू परफॉर्म फॉर फर्स्ट लेडीज बर्थडे। मेरी जाने बुला के फर्स्ट लेडी क्या होती है क्या नहीं, है ना। तो मैं क्या, या माय बर्थ डेट इज 7th February, आई बॉर्न इन गुरदासपुर, दैट इज इन पंजाब, यू नो पंजाब इज द स्टेट ऑफ, उसको पता चल गया। तो मैं कह जी आई फिनिश्ड माई इंग्लिश नाउ, आई डोंट स्पीक। पर बात यह है कि भाजी आप अपने गानों के लिए, आप अपनी कला के लिए जाना जाते हो, इंग्लिश का क्या है? हाँ ठीक है, वो इनको इतनी इंग्लिश आती है, बोली इन्होंने सुबह से। बट अर्चना, डू यू थिंक दैट आई इंप्रूव्ड माय इंग्लिश? ट्रेमेंडसली। अब तो अमेरिकन एक्सेंट के साथ बोल रहा है यार, अंग्रेजी एक्सेंट तो मेरा है ही है, सेंटेंस अंग्रेजी नहीं है, एक्सेंट है अंग्रेजी ही है। एक्सेंट में शब्द डलवा लो कहीं से ना, भाजी हो जाए फिर। हाय सर, आप अच्छा गाते हैं, लेकिन थोड़ी देर और गाते ना तो पीछे हमारी मूछें आ जाती है। गुलशन ग्रोवर जी को वहाँ क्यों खड़ा रखा है आपने? क्या बात है, गुड़िया छा गई तू? नहीं, इतना चमकीला पहने क्यों जब खुद ही देख नहीं पा रहे उसको? स्टाइल है, स्वैग है। एनीवे, जैसी जी नमस्ते, रिचा जी नमस्ते, नमस्ते शर्मा जी नमस्ते, अर्चना जी नमस्ते। ये क्या कर रही हो? बेल आइकन दबा दिया हम इनका। बस काफी है, इतना ही चाहिए था बस। YouTube वाला है, उनको यही अच्छा लगता है। नहीं, आप लोगों से तो हमारा पहले भी मुलाकात हुआ, लेकिन आप चारों को देखे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, ऐसे स्क्रीन पे खाली ना 6 इंच में आप लोगों को देखे हैं ना, ऐसा साक्षात 6 फुट का देख के हमको बड़ा मजा आ रहा है। खाली फर्क इतना है कि आज हम आपको पॉज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहते, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। सच में हमारे मन में लड्डू फूट रहा है आप लोगों को देख के। तुम्हारे मुँह में तो हलवाई भी फूट सकता है, उसमें क्या? ये क्या है, बेल आइकन? नहीं नहीं, हम खाली बता रहे हैं, हम आ गए हैं, बातचीत चल रहा है, बीच में उंगली मत कीजिए। क्या बात है, अपना इंडक्शन दे दें आपको प्लीज। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। क्या बात, बड़े बड़े लोगों के कपड़े हमारे सामने गीले हो जाते हैं। हाँ हाँ, आप लोग भी कभी कपड़ा धोना होगा ना, सारा कपड़ा हमको दीजिए। बिल्कुल नहीं धोना, ये पीछे गंदे पानी का तालाब है, उसमें से कपड़े धोती है।
तो साफ पानी के चक्कर में क्या मालदीव चले जाएं? और वहां जाके आप हमको बताइए जाकिर जी किसका कपड़ा धोए, पहनते कहाँ है वहाँ पे कोई? मालदीव जाए सब वो बीचीनी बीचीनी में चल रहा है वहाँ। अच्छा ऋचा जी, जसी जी, आप लोग ये इतना सुर छेड़ते हैं, सुर को बुरा नहीं लगता? नहीं, हमने एक बार सुर को छेड़ा था, वो तो बहुत बुरा मान गया। कौन सा सुर? ए ससुर। वैसे अनुभव जी, जी अभिषेक जी, जस्सी जी, जी क्यूट लग रहे हैं ना हम? जाकिर से क्यों नहीं पूछा? ये सख्त लौंडे हैं, फायदा नहीं है। ए नहीं, पिघलते ही नहीं है बिल्कुल। वैसे हमको एक सच में बात बताइए, आप इतने सख्त कैसे रहते हैं? हम तो छोटी बात में पिघल जाते हैं। अभी परसों ही हमारे बॉयफ्रेंड के साथ हमारा ब्रेकअप हो गया। अच्छा। अगले ही दिन उसका भाई हमारे घर पे केक लेके आ गया। भाई क्यों आ गया? हम उससे पट गए ना। हाँ, हम बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। लेकिन आपको बताएं सच में, हम आपसे भी एक्चुअली पिघलने के लिए तैयार हैं। ये इतनी आपकी मोहब्बत की शायरियां जो यहाँ वहाँ घूम रही हैं ना, उनको मंजिल दे सकते हैं। हमारे में और आप में ना एक सिमिलैरिटी है। क्या? आप जैसे स्टैंड अप करते करते शायरी लिखते हैं, हम भी कपड़ा धोते धोते शायरी लिखते हैं। क्या बात है, आपकी मुस्कुराहट में कमाल की चमक है। जी सर, आपकी मुस्कुराहट में कमाल की चमक है, हमें कम मत समझिए, हमारे टूथपेस्ट में भी नमक है। नहीं, लेकिन हम जब कपड़ा धोते धोते शायरी लिखते हैं तो हमारे कस्टमर लोग हमें बहुत डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? कहते हैं कि मेरे कपड़े के ऊपर क्यों लिखा शायरी? बोलते हैं कि अगर लिखना ही था तो ट्रक के पीछे जाके लिख। हम ट्राई भी किए थे, बहुत बहुत तेज चलती है ट्रक, ऐसा नहीं हो पाता है ट्रक तो रोक ले, ट्रक तू रोक ही लेती है ऐसे करके वैक्यूम करके। उषा जी देख रहे हैं आप? मैं देख रही हूं। ये कपिला कैसे अड़चना डाल रहा है हमारी बातों में। क्या बात, क्या बात है। जाकिर जी एक बात बताइए जी, भैंस चराने का शौक है क्या आपको? क्यों? नहीं, नहीं। क्यों? नहीं, बादशाह जी जो हैं, बैड बॉय बादशाह जो हैं, वो कह रहे थे कि जिसको डांस नहीं करना है जाकिर अपनी भैंस चराए। क्या बात, गुड़िया चल बस कर, अभी चल बस। बस कर गुड़िया नहीं है, बस कर बस्सी है। आपका है ना सो बस कर बस्सी, पर हमें एक बात समझ में नहीं आया जी, क्या नाम रखे हैं आप? देश विदेश में इतना बड़ा बड़ा शो करते हैं, इतना सारा लोग आपका शो देखने आते हैं, बस कर बस्सी क्यों नाम रखी है? चलता रहे बस्सी, रुकना मत बस्सी, पीछे मत देख बस्सी, आगे बढ़ बस्सी, जीत गया मेसी। मेसी कहां से आ गया? मेसी कतार से आ गया, खत्म हो गया ना वहां पे। वैसे एक बात बताएं आपको, आपको पता है कि फीफा में सब लोग इतना खुश क्यों थे? क्यों? फीफा था इसलिए खुश थे, फूफा होता तो नाराज होते। लेकिन बस्सी जी बड़े फैन है हम आपके। थैंक यू। हम तो कभी ऐसे ढाबे पे जाते हैं, हम लस्सी नहीं मांगते, बस्सी मांगते हैं। हम कभी कपड़ा सुखाते हैं तो रस्सी पे नहीं सुखाते, बस्सी पे सुखाते हैं। हमारे स्कूल में भी 79 के बाद टीचर पूछती है क्या है, बच्चे कहते हैं 80, हम कहते हैं 80। ये तो एक ही बात हो गई, ये कॉमेडी वाले हाँ ये प्रिडिक्ट कर देते हैं जोक, इनको पता है हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए हमने जरा अनप्रेडिक्टेबल वाला रूट लिया है। बहुत बढ़िया, वाह। सब प्रेडिक्टेबल नहीं चलता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी जरूरी है, हम वो रखते हैं। वैसे हमारी ना एक अनप्रेडिक्टेबल बहन है रानी नाम की, आप लोग ऐसे मुकालात करना चाहती है, बुला लें? बिल्कुल बिल्कुल। रानी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। रानी तो बहुत सुंदर है, आपकी बहन है सगी?
हमारी सगी बहन है, मतलब हमारे सगे भाई के पापा की बेटी है। हाँ तो चलो मिल लो, यहाँ पर मेहमान आए। दीदी जसवीर जस्सी। हाँ वो हैं दीदी, जसवीर जस्सी है। हाँ जसवीर जस्सी हैं दीदी, जसवीर जी। हाँ आए हैं, हैं हैं वो हैं जस्सी जी हैं। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दीदी मैं आपको बताऊँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। किस बात के लिए? आपको शादी के लिए लड़के देखने आए हैं। नहीं ये नहीं, ये लड़के हमें देखने नहीं आए हैं। लेकिन दीदी ये लोग आपको ही देख रहे हैं। यार लोटा बहुत भोली है हमारी। देखो तुमको हमने जो सिखाया था वो करके दिखाओ। नहीं दीदी, सबके सामने मैं पर्स नहीं चुरा सकती। क्या बोले ये नहीं सिखाए थे हम? ये भोली बहुत है, इसे पता नहीं है कि लोगों के सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कोई अच्छी बात, कोई अच्छी क्वालिटी, तारीफ वाली बात करो कि बहन की। दीदी आपकी तारीफ तो की थी मैंने उस दिन। कब? जब आपने अपर लिप पे थ्रेडिंग नहीं करवाया तो मैंने कहा दीदी आप पे मूछें बहुत अच्छी लगती हैं। तो कैसी बातें करी जा रहे हो? देखो यहाँ पे अभिषेक अभिमन्यु जी आए हुए हैं, अभी कल हमारा इनके साथ अगर बाई चांस शादी हो गया क्या सोचेंगे ये हमारे बारे में? दीदी इनसे शादी मत कीजिएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रही है? इतने हैंडसम है, पैसे भी अच्छा कमाते हैं। नहीं दीदी इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आपने शादी करके। तुम ना हमसे बातें मत करो, हम यहाँ पर हैं ही नहीं। तुम्हें कुछ बात करनी थी ना? हाँ जाकिर जी से इनके शहर के बारे में कुछ पूछना था। पूछो। नहीं पूछो पूछो पूछो, घबराना नहीं है, पूछो। ये सख्त लौंडे, आप ही पूछो ना इनसे, मुझे शर्म आ रही है। आप पूछो दीदी। सारी बेशर्मी हमारे साथ ही थी। हम पूछ लेते हैं जाकिर जी, आपसे एक बात पूछना था। आप इंदौर से हैं तो बाय चांस जीवन में कभी हम वहाँ पे शूटिंग करने गए तो अब ये हमारे लिए आउटडोर है कि ये इंडोर ही है? आज तक हमें भी पता नहीं चला। नहीं ना? नहीं कंफ्यूज है वो। अच्छा अच्छा सवाल पूछे ना हम। नहीं दीदी मैं सोच रही हूँ, अच्छा वो ये मैंने इनसे नहीं पूछा। वो देखिए आपका सवाल सुन के उपमन्यु चुपमन्यु हो गए। चुपमन्यु। वैसे आपसे एक बात पूछना था उपमन्यु जी, आपके जो पिताजी हैं घर में वो मेन मन्यु होंगे ना, क्योंकि आप तो उपमन्यु हैं। दीदी ये पुराना जोक है, वो सुने हुए हैं जो। अच्छा तो तुमने जो उपमन्यु का चुपमन्यु किया वो तो कढ़ाई से निकला एकदम फ्रेश जोक है। इसको ना कॉमेडी का जानकारी नहीं है, इसे पता नहीं है फनी नॉट फनी, ना बीच का अंतर समझ नहीं पाती। अब बोली है थोड़ी, सीखेगी धीरे धीरे। दीदी मैं सीख गई, मेरे पास बहुत अच्छा जोक है, इतना अच्छा जोक है सब हंस हंस के गिर जाएंगे। दीदी सच में इतना अच्छा जोक है तेरे पास? हाँ दीदी। यहाँ पे सुनाएगी अभी? हाँ जोक सुना। बहुत फनी है दीदी, बहुत अच्छा जोक है। हाँ, सुना देना फिर। इतना अच्छा कि ये भी गिर जाएंगे नीचे, बहुत अच्छा है। हम मान लिया है, अच्छा है वो भी गिरेंगी, सब गिरने के लिए। आप भी गिरेंगे ना सभी लोग? सब तैयार हैं गिरने के लिए, हम सब साथ में गिरेंगे अगर तू जोक सुना देगी तो। ओके दीदी। बहुत फनी जोक है दीदी, मुझे हंसी आ जाए। हमको कैसे पता चलेगा फनी है कि नहीं? हम सुनेंगे तो हमको पता चलेगा ना। फिर हम हंसेंगे भी गिरेंगे भी, जो भी करना है करेंगे, देंगे रिएक्शन, पता चलेगा तो करेंगे ना। सुना जो सुना। क्या होता है, एक लड़का ना साइकिल से ए रानी ए दीदी सच में बहुत फन। ये सुन के ना मेरे फूफा जी खटिया से गिर गए थे सच में। तो हम खटिया लाए नहीं हैं लेकिन गिरने के लिए तैयार हैं, कह तो रहे हैं। तू सुना ना जोक। दीदी पूरा सुनाएगी, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका टाइम भी बड़ा एक्सपेंसिव लोग हैं सारे के सारे, उनको अपने घर भी जाना है कि नहीं? जाना है दीदी। एक लड़का होता है साइकिल चला रहा होता है, तभी सामने से रानी हम तेरे को ना ले जाएंगे वापस। नहीं दीदी पूरा जोक सुना। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत फनी है, बहुत हंसी आएगी, सब लोग गिरेंगे, पेट में दर्द होगा, मजा आएगा। ठीक है सुना दे।
एक लड़का होता है वो साइकिल से जा रहा होता है, तभी सामने से एक दूसरा लड़का आता है और बोलता है भैया आपकी साइकिल की चैन टूटी हुई है। तो वो लड़का बोलता है चैन टूटी है तो क्या हुआ, सड़क तो सही है। मैं अंदर जाता हूँ, मैं भी लेडीज कपड़े पहन के आता हूँ, फिर पीटूंगा तुम्हें मैं। क्योंकि ऐसे में हाथ उठाता अच्छा नहीं लगता। ये था जोक जिसका हम इतना देर से इंतजार कर रहे हैं। दीदी ये सुन के फूफा जी खटिया से गिरे थे। वो पिए हुए होंगे। ये जोक सुन के कोई नहीं गिर सकता क्योंकि ये है ही नहीं। जोक क्या होता है हम आपको बताते हैं, हमारे पास भी एक है, हम सुनाएं। देखिए जोक में क्या होता है, खुद नहीं इतना खुश होना है, हम सुनाएंगे सामने वाला हंसेगा। जी दीदी ठीक है। हाँ, सुनाइए सुनाइए। हम सुनाते हैं जोक। एक बार ना एक आदमी दही का हांडी लेके बस में चढ़ता। बस में चढ़ता। अभी हुआ नहीं है, जोक जो है वो आएगा। जी दीदी। एक आदमी दही का हांडी लेके बस में चढ़ता है, वो जो लेडीज का रिजर्व सीट होता है ना उस पे जाके बैठ जाता है। और वो बैठ जाता। नहीं 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 नहीं। अभी तक जोक आया नहीं है। दही का हांडी लेके गया है, लेडीज का रिजर्व सीट है, वो बैठ गया है। वहाँ पे कुछ लेडीज आती हैं, कहती हैं तुम यहाँ कैसे बैठे हो, ये महिला की सीट है और हम महिलाएं हैं। महिलाएं? अरे रुकना। सुन रानी इधर। रानी जोक का एक पंच होता है, पंच जब आता है तब हंसना होता है समझी। तो लेडीज आती हैं कहती हैं कि ये सीट महिला की है हम महिलाएं हैं। तो आदमी कहता है आप महिलाएं हैं तो हम क्या करें, हम भी तो दहिलाएं हैं। अब रुको मैं चेंज करके आया। ये जोक है इस पे हंसना है, यही है पंच। नहीं दीदी ये तो दही है ना। आप रुकिए हम इसका समझा कर आते हैं कॉमेडी क्या होता है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। हमारे डायरेक्टर साहब मैं चाहूंगा कि मंच पे आए, कृपया अनुकल्प गोस्वामी साहब आइए आइए। ओके रेडी गाइस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर। Love you guys. You guys are wonderful. Thank you. Thank you. Happy New Year. Thank you so much. Shukriya. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.